आपको उस समय ये समझ में आ जाता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं जो सच में, जैसे DU है, JNU है, या फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, BHU है। सर फर्स्ट ईयर वॉज वेरी चैलेंजिंग, तो सबसे पहले तो उन्हें ये सोचना होगा कि सच में उन्हें सिविल सर्विसेज करना है कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपको इस फील्ड में जाना है कि नहीं। अब तो गेट के थ्रू मिलती है कि आप JRF हो तो आप अंदर हो, नहीं हो तो आप बाहर हो। तो फिर वहाँ मैटर ही नहीं करता था कि आप JNU से हो, BHU से हो। तो अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर ICGB, अगर आपको इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर NII, और इन्वायरमेंट पे इंटरेस्ट है तो आप नीरी में जाओ। तो अपना जो इंटरेस्ट है आपको MSc के बाद, आज ये सर क्या प्रीलिम्स चीज होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, GS एंड CSAT। CSAT में मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं। प्लस ये समझते थे कि दिस आर द थिंग्स ऑफ गर्ल, लाइक हम लड़के इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हम लोगों को लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सो कॉल्ड सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हॉस्टल की थोड़ा शो कर सकते हैं। और क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने इंटरव्यू लिया था प्रेम सर का, जी। तो प्रेम सर वॉज इनिशियली इन द सेम लैब NVRI में, जिसमें मैंने बाद में ज्वाइन किया। सर मैं लाइफ साइंसेस में, मेरा JRF था, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसमें टोटल 13 यूनिट हैं, और मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि तो VB सिंह सर का घर मेरे, और मेरा जो गांव है इसके जस्ट बगल में ही है। तो वो पहली बार मेरा जो इंग्लिश डिबेट था उसमें उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया और पूछा कि ये कौन है। तो दैट वे लाइक फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड काफी खराब था, तो उन लोगों ने बताया कि इज नॉट वेरी सिंसियर एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया, बोला कि अब तक जो था वो था, अपना वो इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि तुम्हारे घर के बगल का हूँ बेटा, वहां जाके तुम्हें मारूंगा। तो उन्होंने काफी, आज हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 22nd में इंटरनेशनल डे फॉर बायोडायवर्सिटी है, और आप बॉटनिकल साइंसेस से आते हैं और उसमें भी आपने NDRI में काम किया है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आज की डेट का क्या रेलेवेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी? इंटरेस्टिंग स्टोरी भी, और वो लाइन भी है, वो जो हनी बी एंड ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को लेके। तो सेम उसी वे में ये बायोडायवर्सिटी पूरा पैटर्न है, जहां पे आज हम लोग कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर लव सिंह जी से बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर लव इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी मुंगेर यूनिवर्सिटी में, और लव ने BSc यूपी कॉलेज से किया, MSc आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, और फिर वहीं पर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI से PhD करना स्टार्ट किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स डॉक्टर लव के जो रहे हैं वो ये है कि आपने CSIR JRF नेट जो है वो जून 2012 का, उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक 25th, और फिर आपने दिसंबर में फिर से दिया और इस बार आपकी ऑल इंडिया रैंक 64 थी, और उसी साल आपने UGC JRF नेट भी क्लियर किया था, और 2014 में आपने गेट क्लियर किया, और इस बार आपकी बहुत ही अच्छी परसेंटाइल थी 99.68। तो डॉक्टर लव आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप आपका घर सर, ये ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, मुगल सराय के बगल में एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा एक मार्केट है बबुरी, उसके बगल में एक छोटा सा विलेज है इंद्रपुरा, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद की आपकी शिक्षा? सर कुछ दिन मेरी एजुकेशन आत्मानंद कॉन्वेंट स्कूल वहीं बनारस में हुई, उसके बाद फिर अशोक इंटर कॉलेज से मैंने 12th पास किया था, फिर ग्रेजुएशन मेरी UP कॉलेज से, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, और फिर मेरा इन्वॉल्वमेंट वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर गौरी सक्सेना के अंडर में हुआ। फिर वहाँ मैंने अपनी PhD सबमिट की, फिर 1 जुलाई 2019 को मेरा सिलेक्शन मुंगेर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में हुआ, तब से मैं वहीं पे अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहा हूँ। कैसा उस समय रहा आपका हाई स्कूल का, इंटर का? सर जैसे सबका होता है वैसे आई वाज आल्सो लाइक एवरेज स्टूडेंट, सीखने की जील थी, सीखते थे, और वही दोस्तों का अपना सर्कल हुआ करता था, तो आई कांट रिकॉल मच,
बट एक एवरेज लाइफ ही थी, नॉट वेरी एक्सेप्शनल। यूपी कॉलेज पर कैसे आना हुआ? सर मैंने दो जगह अप्लाई किया था बेसिकली, बीएचयू एंड यूपी कॉलेज, और आई वाज वेरी श्योर कि बीएचयू हो जाएगा। और यूपी कॉलेज मैंने डाल रखा था कि इन केस बीएचयू में सिलेक्शन नहीं होता तो आई विल गो फॉर यूपी कॉलेज, एंड अनफॉर्चुनेटली एज वेल एज फॉर्चुनेटली मेरा वहाँ बीएचयू में नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि मैं बीएचयू का पार्ट नहीं हो पाया, और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं यूपी कॉलेज में आया और वहाँ पे मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले कि ओवरऑल मेरा वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, नॉट ओनली एकेडमिक बल्कि लाइफ को के साथ कैसे एडजस्ट करना है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में कैसे रहना है, और बिकॉज मैं वहाँ पे हॉस्टल में था तो जो डेली की लाइफ है उसमें एडजस्टमेंट, एक हॉस्टलर की लाइफ क्या होती है, और हॉस्टल और डेली किसी के बीच में जो चीज़ें यहाँ पे मैनेज करनी होती हैं, उन सब का मैं पार्ट रहा। तो ओवरऑल मेरा यूपी कॉलेज का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, और यदि मैं कहूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरे कॉलेज का सबसे ज़्यादा योगदान रहा तो ये शायद गलत नहीं होगा। कैसा रहा फर्स्ट ईयर? सर फर्स्ट ईयर वाज वेरी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग इसलिए कि अभी हॉस्टल का लाइफ यूपी कॉलेज का और जगह के हॉस्टल से पूरा डिफरेंट है, तो एकेडमिक वाइज डिग्रेडेशन हुआ और मेरे फर्स्ट ईयर में सिर्फ 63% मार्क्स है, बट ओवरऑल जो अच्छे दोस्त मिले वहाँ पे हॉस्टल में, अच्छे मेरे जो फर्स्ट ईयर में मेरे हॉस्टल के जो वार्डन थे मैथमेटिक्स के थे, श्री राम सिंह सर थे, तो उनसे काफ़ी बात करने का मौका मिला, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो एक जो सोशल लाइफ है वो तो स्ट्रांग हुई, बट फर्स्ट ईयर में मेरा जो एकेडमिक लाइफ थी वो थोड़ा डिप गई, जिसको फिर बाद में मैंने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कंसिक्वेंटली उसको इम्प्रूव किया। तो फर्स्ट ईयर दैट वे इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लेशन भी था मेरे लिए कि बहुत पढ़ाई करनी है, अदरवाइज इट इज हार्ड टू स्कोर मोर देन 60% इन यूपी कॉलेज हमारे टाइम में, अभी भी आई एम श्योर कुछ वैसा ही होगा। चल मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि अचानक से हमें बैक में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है हमारे सीनियर्स का, जूनियर्स का, तो वहाँ पे फिर वापस डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में चैनलाइज करना चाहते हो। आप अच्छे सीनियर्स भी वहाँ पे काफ़ी थे, आप उनसे एकेडमिक में और चीज़ों में हेल्प लेके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो कि, या एक जो दूसरा रास्ता है वो अपनाना चाहते हो। तो फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा दूसरे वाले की तरफ ज़्यादा इन्क्लाइंड था, बट विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा आगे के लिए ठीक नहीं होगा, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने फिर अपने ट्रैक को चेंज किया और क्लासेस रेगुलर करना स्टार्ट की, टीचर से इंटरेक्ट होना स्टार्ट, और उसके बाद फिर हॉस्टल्स के और भी चीज़ें जो थी, लाइक हमने अपने ग्रुप हमारा काफ़ी अच्छा था तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि एटलीस्ट जो हॉस्टल की इमेज है उसको जब तक हम लोग हैं थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। और उस समय ही हमारे नए वार्डन बने थे MPT सर, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और फिर हम लोगों ने जो कि हॉस्टलर्स वेर वेरी गुड एट फिजिकल कंपटीशन, लाइक जो रनिंग कंपटीशन, डिस्कस थ्रो कंपटीशन एंड ऑल वो कंपटीशन होता था उसमें तो हॉस्टल का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था, हर बार हॉस्टल ही चैम्पियन बनता था, बट हम लोग के टाइम पहली बार ऐसा हुआ कि जो कल्चरल कंपटीशन होता है जिसको हॉस्टलर्स ये समझते थे कि दिस आर द थिंग्स ऑफ गर्ल, लाइक हम लड़के इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हम लोगों को लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सो कॉल्ड सॉफ्ट डिप्लोमेसी हॉस्टल की थोड़ा शो कर सकते हैं, और एक जो कॉन्फिडेंस है लोगों का हॉस्टल को लेके, जो एक परसेप्शन है हॉस्टल को लेके, उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने उस साल फिर कल्चरल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किए, मैं खुद इंग्लिश डिबेट एज वेल एज हिंदी डिबेट, आई रिमेम्बर उस टाइम एंटी रैगिंग एक्ट नया नया बना था, तो वो टॉपिक था डिस्कशन का, तो इंग्लिश में मैंने उसके प्रोज में बोला था, हिंदी में मैंने कॉन्स में बोला था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे थोड़ा कंप्लीट जानना है इस रैगिंग के बारे में, तो उन दोनों में मैं फर्स्ट पोजिशन थी मेरी, और एक मेरा ही फ्रेंड था आशुतोष, उसने जो इंडिविजुअल सिंगिंग होता है उसमें उसने फर्स्ट रैंक लाई। ओवरऑल जो 5 कंपटीशन होते थे उसमें से पहली बार ऐसा हुआ कि 4 कंपटीशन में न्यू हॉस्टल ब्लॉक ए जीता और ओवरऑल हमारा हॉस्टल चैंपियन बना, और सेकेंड ईयर में भी वो ऐसा हुआ और थर्ड ईयर में भी ऐसा हुआ, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूपी कॉलेज कि हॉस्टलर्स चैंपियन बन रहे हैं, वो भी कल्चरल कंपटीशन में, लाइक दे कैन डांस, दे कैन सिंग, क्योंकि उससे पहले कुछ और था कि वो कुछ और ही करते, ये चीज़ें वो नहीं करते। तो ये तो कुछ आपने हॉस्टल्स की अपनी लाइफ के बारे में बताया, डिपार्टमेंट के संदर्भ में या कॉलेज के संदर्भ में, क्योंकि आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 विषय पढ़ रहे थे, क्या यादें आपकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्या आपको शुरुआत में फील हुआ
क्या कुछ डिफिकल्टीज पार्ट वन में नजर आई, और फिर विद टाइम क्या कैसे वो सफर चलता गया? सर, पार्ट वन थोड़ा टफ लगा. रीजन ये था कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना सडन चेंज होगा, इतना सडन शिफ्ट होगा. जो हम एक परसेप्शन ले गए थे कि कॉलेज में जाने के बाद कहते हैं कि ट्वेल्थ के बाद आपको क्लासेस नहीं करनी होती, बट वहाँ जाने के बाद सब कुछ चेंज हो गया कि ट्वेल्थ में तो कम क्लासेस की थी, यहाँ पे क्लासेस ही क्लासेस करनी है. और केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जुअलॉजी था मेरा, और टीचर्स काफ़ी अच्छे थे उस टाइम. बॉटनी में ए के सिंह सर हेड थे, एलगी में सदरुन सिंह सर थे, आर पी सिंह सर थे फंजाई के, वो सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे. और मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट के, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या जुअलॉजी हो, अपने टाइम के बेस्ट टीचर्स से पढ़ा, और उसका बेनिफिट मुझे लाइफ लॉन्ग मिलता रहा. मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पर आया तो वहाँ मैं अपने बैचमेट्स को अपने नोट्स दिखाता था, तो वो कहते थे कि लाइक तुम्हारे नोट्स ग्रेजुएशन के, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स से जो यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं उससे बेटर हैं. तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा स्ट्रगल करने में लगा, चीज़ें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता रहा, और थोड़ा सा हॉस्टल का मैंने आपको भी बताया तो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं गई. बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फिर एक टीचर जिनका मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर एम पी सिंह सर थे बॉटनी में, और वी बी सिंह सर थे जुअलॉजी में. तो वी बी सिंह सर का घर मेरे, मेरा जो गांव है इसके जस्ट बगल में ही है, तो वो पहली बार मेरा जो इंग्लिश डिबेट था उसमें उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया और पूछा कि ये कौन है. तो दैट वे लाइक फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब था, तो उन लोगों ने बताया कि इज़ नॉट वेरी सिंसियर एंड ऑल. तो उन्होंने मुझे पर्सनली बुलाया, बोला कि अब तक जो था वो था, अपना वो इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि तुम्हारे घर के बगल का हूँ बेटा, वहाँ जाके तुम्हें मारूंगा. तो उन्होंने काफ़ी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया. तो तीन डिपार्टमेंट्स में आई वॉज लकी टू हैव सब लोग अच्छे अच्छे लोग. तो फिर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स काफ़ी चीज़ें अच्छी होती गई और चीज़ें इम्प्रूव होती गई. और थर्ड ईयर आते आते तो मैं 63 से 83 जंप कर चुका था, इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ. बहुत अच्छा. तो केमिस्ट्री कैसे छूट गया? केमिस्ट्री सर था, पार्ट थर्ड तक था. और कहते हैं ना कि जो मेरा एक ये परसेप्शन रहा है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जितने अच्छे आपको टीचर्स मिलते जाते हैं उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है. आई एम नॉट सेइंग कि केमिस्ट्री में वहाँ टीचर्स अच्छे नहीं थे, बट अभी भी मैं ये मानता हूँ कि बॉटनी डिपार्टमेंट वॉज वन ऑफ द बेस्ट, चाहे वो स्ट्रेंथ हो फैकल्टी की या फिर द टाइप ऑफ पीपल्स या जो टीचर्स हमको उन्होंने पढ़ाए. लाइक आई कांट फाइंड अ टीचर बेटर देन आर पी सिंह सर हु कैन टीच मी फंजाई. सिमिलरली एम पी सिंह सर के साथ था, टैक्सोनॉमी में अजय सर थे, तो फैकल्टी की स्ट्रेंथ वहाँ पे काफ़ी थी. लाइक हमारे टाइम 2021 के आसपास स्ट्रेंथ थी, तो वहाँ से बॉटनी केमिस्ट्री दोनों मेरे अच्छे थे. और केमिस्ट्री में लास्ट ईयर में मेरी बॉटनी कंपेरिजन में मार्क्स अच्छे थे, लाइक 84-85% केमिस्ट्री में थे. बट वो जो इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं बॉटनी में ज़्यादा हुआ, और कम्फर्ट का जो लेवल था वो बॉटनी में ज़्यादा अच्छा गया. तो फिर मैं उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी गया, फिर वहाँ से मैंने बॉटनी में कंटिन्यू किया पूरा. और कुछ यूपी कॉलेज के संदर्भ में जो आपको याद आती हो? मैं कुछ आपके फोटोग्राफ्स देख रहा था, केमिस्ट्री लैब के कुछ फोटोज जब मैंने देखे, और आपके जो साथ के जो उसमें बच्चे खड़े हुए हैं वो मुझे याद आए. मैं उनका नाम तो नहीं याद कर पा रहा, लेकिन शक्ल से, फेस से मैं उन सबको बहुत अच्छे से. सर, एक अभिषेक है, वो अभी उन बलिया से है, अपना खुद का वो बिजनेस कर रहे हैं, और दूसरे राजशेखर हैं, वो अभी इंडियन एयरफोर्स में. तो काफ़ी, अब मैं आपसे कह रहा था ना, जो हम लोग के हॉस्टल के लोग थे, हम लोगों का क्यूमुलेटिव आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग आज अच्छे प्लेस्ड हैं. रवि के बारे में आप जानते होंगे, इज ए कैप्टन इन इंडियन आर्मी, और वैसे जितने लोग भी हैं सब अच्छा कर रहे हैं, सब लोग बेटर कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू यू ऑल. नहीं, बहुत कॉलेज परिवार के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि कॉलेज का नाम आप ही लोगों से है. बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है आप सब लोग को इस तरह से देखते हुए. और ये एक कोशिश है हम लोग की कि कुछ इस मार्फत से आप लोग से फिर से बातें की जाएं, यादें साझा की जाएं, और जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आपके आज जूनियर्स हैं, उन तक आपकी बात पहुँचाई जाए, जिससे कि उनको ज़बरदस्त इंस्पिरेशन मिले और शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो आपको शायद उस समय नहीं मिल पाई रही होगी, तो शायद उनको इस समय जब मिल जाए और वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करे और उनके लिए चीज़ें जो है थोड़ा सा तेज चल पाए. तो उसके बाद आप लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुँचते हो एमएससी के लिए, कैसा वहाँ का माहौल लगा लखनऊ का, वाराणसी से लखनऊ?
सर पहले तो सिटी काफी दोनों डिफरेंट हैं, लाइक एक का मॉर्निंग फेमस है तो दूसरे की इवनिंग फेमस है, काफी डिफरेंट वहाँ पे एनवायरमेंट था। और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किए तो वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी, बट एक चीज़ जिसमें मैं कंफर्टेबल था, जो मेरी स्ट्रेंथ थी बॉटनी, वो चेंज नहीं हुई। वो बॉटनी वहाँ पे मेरी अच्छी थी, यहाँ आके और अच्छी हो गई। तो एक ट्रांजिशन था, यहाँ पे सब कुछ पढ़ना था हमें थर्ड ईयर में, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ना था, और अक्सर ही सोचते थे कि क्या होगा जब सिर्फ बॉटनी पढ़ना होगा, कितना अच्छा होगा। तो फिर समझ में आया कि नहीं, केमिस्ट्री आपको लाइफ लॉन्ग पढ़नी है, क्योंकि वो केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बन चुका था। तो वहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, और टैक्सोनॉमी की टीचर थी प्रोफेसर लवान्या, और जिम्नोस्पर्म्स जिनके अंडर मैंने पीएचडी किया है, प्रोफेसर गौरी सक्सेना, उन्होंने पढ़ाया था। और एल्गी के काफ़ी फेमस प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पी के मिश्रा साहब थे। और जेनेटिक्स डिपार्टमेंट भी वहाँ काफ़ी अच्छा था, और ब्रायोफाइट्स तो वहाँ पे हब माना जाता है, बिकॉज प्रोफेसर उदार वहीं से थे। तो बेसिकली लखनऊ यूनिवर्सिटी काफ़ी रिनोन्ड है बॉटनी के लिए फ्रॉम द टाइम ऑफ बिरबल सानी। बिरबल सानी साहब हों, या फिर फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी डी डी अवस्थी साहब हो, ब्रायोलॉजी में प्रोफेसर उदार साहब हों, या फिर एल्गी में प्रोफेसर बी एन प्रसाद साहब हों, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका जो हिस्ट्री है वो रही है, और अभी भी उस लीनियसी को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अभी भी डिपार्टमेंट वहाँ का काफ़ी अच्छा है, टोटल स्ट्रेंथ अभी भी वहाँ 25+ है। और बॉटनी डिपार्टमेंट में ही प्लांट साइंस, एमएससी बॉटनी, एनवायरमेंट साइंसेज एंड माइक्रोबायोलॉजी करके चार कोर्सेज चलते हैं। तो टीचर्स भी अच्छे हैं, स्टूडेंट भी अच्छे हैं, एनवायरमेंट भी अच्छा है। और लखनऊ का एक बेनिफिट जो बॉटनी का बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट लाइफ साइंस का ही बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ पे सीएसआईआर की लैब्स बहुत ज़्यादा है। स्पेशली बॉटनी के लिए यू विल फाइंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यू विल फाइंड सी मैप, और लाइफ साइंसेज के लिए यू विल फाइंड सी डी आर आई, आई टी आर सी है। उसके अलावा आई सी आर की जो लैब्स है, सुगर केन इंस्टीट्यूट्स है, फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, और अभी रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट्स एंड बायोटेक पार्क भी ओपन हो गए। तो बायोलॉजी के लिए, स्पेशली बॉटनी के लिए लखनऊ नॉर्थ इंडिया में आई थिंक आई कैन से कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस हैं। तो उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जानने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी के बगल में ही बिरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पहली बॉटनी है, जो कि पूरे इंडिया में अपने टाइप का एक इकलौता इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होते रहे वहाँ के साइंटिस्ट से, वहाँ के जो लोग काम कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स पे, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और फिर वहाँ से मैं रिसर्च को मेरे को रिसर्च की मोटिवेशन मिली वहाँ से, कि नहीं अच्छा लगता देख के उनको कि काफ़ी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी उनके पब्लिकेशन आ रहे हैं, काफ़ी रिनोन्ड हैं। तो वहाँ पे फिर एमएससी से रिसर्च की तरफ इंक्लिनेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं आज आपसे अपने उन बच्चों के लिए जो आज बीएससी कर रहे हैं, बीएससी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में हैं, और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्योंकि आप एमएससी के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, उन बच्चों के लिए जो आज फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेज में, उनको आप क्या और अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में बताना चाहिए? बीएससी एक आपका प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ के बाद बेसिकली आप अपने फील्ड को डिसाइड करते हो। अगर आपको एकेडमिक्स में रहना है तब तो जो भी आपके इंटरेस्ट है, लाइक अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाना है या फिर बॉटनी में जाना है, तो पहले तो आप ये करिए कि जो मदर ब्रांच, मदर सब्जेक्ट है, जिनली क्या करते हैं लोग बायोटेक की तरफ, माइक्रो की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो इंटरेस्ट है, वो ख़राब भी नहीं है। बट मैंने जो फील किया कि अगर आप अपनी मदर ब्रांच के साथ रहते हो, लाइक आप बॉटनी या जूलॉजी के साथ कंटिन्यू करते हो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको आगे स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। कुछ तो स्टेट्स ऐसे हैं जैसे एमपी और बिहार, वहाँ पे जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो वो बॉटनी से बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी को पूरी तरह हटा देते हैं। उनका कहना होता है कि जब आपने सिर्फ बायोटेक पढ़ा है तो आप बॉटनी कैसे पढ़ा सकते हो। तो पहला सजेशन तो ये कि अगर एकेडमिक्स में रहना है तो अपनी जो मदर ब्रांच है उसको मत छोड़िए। और दूसरा, आपको उस समय ये समझ में आ जाता है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, जो सच में, जैसे DU है, JNU है, या फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, BHU है। तो उस समय हमें कोशिश करना चाहिए कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। बट अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं भी होता है तो मेरा ये कहना है कि उस चीज़ से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आपको एकेडमिक्स में रहना है तो सिंगल एग्जामिनेशन विच विल डिसाइड योर फेट इज CSIR JRF या UGC JRF जो भी होता है, क्योंकि उसके बाद आपको एट पार ट्रीट किया जाता है। मुझे याद है, मैं MSc के बाद आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन इकोलॉजी, मुझे लगा कि आगे फॉरेस्ट इकोलॉजी में ही काम करना था,
तो मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गया था, मैंने आपको भी मेल किया था कि सर मैं JNCSR और IC जा रहा हूँ। तो वहाँ जाने के बाद सिर्फ एक सिंगल जो विंडो थी जिसके थ्रू आपको एंट्री मिलनी थी, अब तो गेट के थ्रू मिलती है कि आप JRF हो तो आप अंदर हो, नहीं हो तो आप बाहर हो। तो फिर वहाँ मैटर ही नहीं करता था कि आप JNU से हो, BHU से हो। तो पहले तो आप ट्राई करिए कि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज आपको मिल सके वहाँ जाइए, बट अगर नहीं होता है तो उस चीज़ से एकदम परेशान नहीं होइए, कहीं भी रहिए आप ट्राई करिए कि आप JRF या नेट जो भी उसको क्वालिफाई करिए। और JRF के बाद फिर CSIR की लैब हैं, JNU है, यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी, ICR की लैब है। तो अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर ICGB, अगर आपको इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर NIA, और इन्वायरमेंट पर इंटरेस्ट है तो आप NIRI में जाओ। तो अपना जो इंटरेस्ट है आपको MSc के बाद वो क्लियर कर लेना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, क्योंकि वहाँ फिर बॉटनी जूलॉजी नहीं रह जाता, वहाँ आपको एल्गी, फंजाई, टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको स्पेसिफिक होना होता है। तो MSc के लेवल पे अगर आपके पास JRF है और आपको पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो यू कैन इजिली आपका एक अच्छे CSIR की लैब में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, क्योंकि विद टाइम चीजें नैरो होती जाती है। अब जैसे ही आप JRF आपका होता है तो यू विल बी अमंग 1-2% ऑफ योर सब्जेक्ट, तो फिर चीजें आपकी काफी ईजी हो जाती है, आप CCMA जा सकते हो, आप ISC जा सकते हो। तो एकेडमिक्स के लिए तो ये आप रूट फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपको एकेडमिक्स में नहीं जाना है, क्योंकि BSc के बाद आप कैट एग्जामिनेशन देते हो, अगर आपको मैनेजमेंट एंड ऑल में जाना है, जहाँ से एक और इंडिया का काफ़ी बड़ा एग्जाम जो है UPSC एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एग्जामिनेशन है, PCS या CSE, आप वहाँ भी शिफ्ट करते हो, तो वो आपको उस जंक्शन पे आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। जैसे मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो मैं काफ़ी लेट रहा, मैं वहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे BSc के बाद किधर जाना है, बट MSc के बाद मेरा था कि नहीं मुझे रिसर्च करना है। बट रिसर्च के साथ साथ ही मेरा इंटरेक्शन कुछ लोगों के साथ हुआ जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स थे, तो वहाँ से फिर मैं उनसे इन्फ्लुएंस हुआ और मैं फिर थोड़ा सा डायरेक्शन अपना और ट्रैक चेंज करता गया। तो मैंने काफ़ी R&D किया अपनी लाइफ के साथ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो भी करें। आप स्टार्टिंग से क्लियर रहोगे तो जो अभी के 3-4 साल होते हैं लास्ट के, वो आपके बच जाएं। एक चीज़ अब काफ़ी ज़्यादा आ रही है, वो है IIT जैम के बारे में, और अक्सर जो बॉटनी जूलॉजी वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं कि हम इसमें अपीयर नहीं कर सकते हैं। क्या आपकी जानकारी में है कि कौन कौन के विषयों से IIT जैम को दिया जा सकता है? सर जहाँ तक मुझे याद है, मेरे टाइम में जो लोग भी केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन जिनका था, हाँ, वो मैक्सिमम IIT जैम के लिए जाते थे, और जिनको बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी में इंटरेस्ट था वो जो JNU का कम्बाइंड बायोटेक एग्जामिनेशन होता था CBT करके, जिसमें हमारे बैच के ही स्टूडेंट थे धृति एंड दीपक, ये दो स्टूडेंट हम लोग के टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया था। धृति ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फिर MSc किया, अभी वो NIPGR में PhD कर रही है, और दीपक जम्बेश्वर, बाबा जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी समथिंग करके है, वो वहाँ से उसने किया था। तो उस समय हम लोग के टाइम में जो लोगों का था कि आपको अगर केमिस्ट्री में आगे परस्यू करना है तो आप IIT जैम दीजिए, और अगर आपको लाइफ साइंस में कंटिन्यू करना है तो आप JNU का जो CBT होता था कंबाइंड बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन वो दीजिए। तो सर IITs में मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, चाहे वो बायोलॉजी का ही क्यों ना, इकोलॉजी का ही हो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने इंटरव्यू लिया था प्रेम सर का, तो प्रेम सर वॉज इनिशियली इन द सेम लैब NVRI में जिसमें मैंने बाद में ज्वाइन किया, ये डॉक्टर सौमित बेहरा की लैब थी, तो वो पहले वहाँ पे थे, फिर वहाँ से वो आई थिंक IIT चले गए और वो वहाँ से फिर जर्मनी गए। तो उनका मैं पेपर्स वगैरह में देखते रहता था, तो समझ में आता था कि नहीं काफ़ी अच्छा काम बायोसाइंसेज में भी अब IIT में स्टार्ट हो। आई थिंक 2010-11 वो टाइम ही था जहाँ पे IITs में स्पेशलाइजेशन बायोलॉजी में स्पेशली बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ड्रास्टिक और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होने लगे स्पेशली इकोलॉजी में। IIT खड़गपुर में मैंने देखा एक ग्रुप था प्रोफेसर MD बेहरा, मुकुंद देव बेहरा का, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इकोलॉजी में। तो अब तो IITs इज ओपन फॉर ऑल, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों या बायोलॉजी के हों या फिर एनवायरमेंट साइंसेस के हों। ओके, और उसके बाद आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में MSc जब आप कर रहे होंगे सेकंड ईयर में ही, आपने CSIR JRF क्लियर किया और बहुत ही अच्छी रैंक है आपकी, ऑल इंडिया रैंक 25। तो क्या आप टिप्स देना चाहोगे उन बच्चों को जो आज MSc कर रहे हैं UP कॉलेज से? सर मैं लाइफ साइंसेस में मेरा JRF था तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, उसमें टोटल 13 यूनिट हैं, और मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि सेक्शन B में 50 क्वेश्चन आते हैं,
उसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। सेक्शन सी में 75 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसका मतलब और आप 50% आप स्कोर कर लेते हो, 50 या 60%, तो आप टॉप 50 रैंक में आप रहते हो। तो सबसे पहले तो आपके पास इतना आपको चांसेस मिल रहे हैं कि आप अपने सिलेबस में से जो आपका स्ट्रॉन्ग पोजिशन स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं है उसको आप कट कर दो। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं 13 में से सिर्फ 6 यूनिट्स पढ़ के गया था, और वो मैंने एमएससी अपने पढ़ाई के टाइम ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं जेआरएफ का मैं अपने सिलेबस अपने सामने रखा और लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैंने रखा। तो मैंने उस समय डिसाइड किया था कि जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म करके एक यूनिट है सीएसआईआर के सिलेबस, वो मेरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 का पार्ट था, तो उसको मैंने उस टाइम ही कंप्लीट किया। वैसे ही मैं करता गया और कुछ एक दो यूनिट एक्स्ट्रा मैंने एनिमल्स डोमेन्स का पढ़ा। बाकी मैं 13th में से मैंने 6-7 यूनिट अच्छे से पढ़े थे, और उन 6-7 यूनिट से ही मैं सेक्शन बी में मुझे जितने क्वेश्चंस करने से क्वालिफाई हो जाए वो मिल गया, और सेक्शन सी में भी मिल गया। तो पहला तो होता है सर कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट कि वो पूरा का पूरा जो 13 यूनिट्स हैं वो सब पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो एक हिंदी में वो कहावत है कि दूसरे के महल को देख के अपना झोपड़ा जला लेते हैं। तो पहली बात तो वहाँ वो स्ट्रेटजी आपको अच्छे से फॉलो करनी होती है। और बॉटनी में आई रिमेम्बर कि जिन किताबों को पढ़ के मेरा सीएसआईआर हुआ, लाइक बायोकेमिस्ट्री मैंने लेनिंजर पढ़ी, प्लांट फिजियोलॉजी मैंने तेजन जिगर पढ़ी थी, मुझे बीएससी में मेरे टीचर्स ने वहाँ पे पीके सिंह सर थे, उन्होंने मुझे बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर सजेस्ट किया था। जब मैं बीएससी पार्ट 2 में था, एसएन सिंह सर थे प्लांट फिजियोलॉजी के, उन्होंने मुझे और पंकज सर ने मुझे तेजन जिगर बुक दी थी उस टाइम कि तुम्हें ये पढ़ना है। तो स्ट्रेटजी वहाँ पे टीचर्स के एंड से पूरी थी, उन्होंने कभी मुझे एक छोटी बुक या नॉर्मल बुक इंडियन कंटेक्स्ट में कोई अच्छी बुक नहीं तो कभी सजेस्ट नहीं किया। बट हम क्या रहते थे कि अपने सिलेबस से स्ट्रिक्ट रहते थे कि अगर सिलेबस में एक जनर है तो हमें सिर्फ वही पढ़ना है। बट एलयू में आने के बाद चीज़ें सेमेस्टर पैटर्न था और वहाँ पे फैकल्टीज थोड़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थी क्योंकि वो रिसर्च में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पे सीएसआईआर की लैब्स होने से, और साथ ही साथ वहाँ के सीनियर्स और अपने एलुमनाई को उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो वहाँ से जो भी उनके सीनियर्स वगैरह निकलते थे। और साथ ही साथ अब जिसका इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हो गया, बट उस टाइम उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो कि बहुत ज़्यादा तो आपको हेल्प नहीं करते बट आपको ट्रैक पे रखते हैं। तो उस समय लखनऊ में भी अच्छी कोचिंग्स थी, मैंने भी जो एनिमल में डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ना था मुझे, मैंने 15 डेज तक एक कोचिंग की हेल्प ली थी, तो वो काफ़ी अच्छा रहा, वहाँ पे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। तो सबसे पहले कि इन्वायरमेंट है यूपी कॉलेज में, टीचर्स अच्छे हैं, लाइब्रेरी भी अच्छी है, सारे बुक्स भी अच्छे हैं, तो अगर वहाँ से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम। तो अगर आप स्ट्रेटजी अच्छे से बनाते हो, उसको आपको लोग गाइड करते हैं, तो यूपी कॉलेज से भी वही रिजल्ट आएगा जो अब लखनऊ यूनिवर्सिटी से आता था। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी जो नंबर्स ऑफ सिलेक्शंस होते थे वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। रीजन चाहे जो हो, चाहे बेस्ट ब्रेन ना आ रहा हो या फिर लोगों का अप्रोच चेंज हो गया हो या कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया हो, बट कहीं ना कहीं जो पहले था कि बैच में से 10 लोग 8 लोग जेआरएफ होते थे, अब वो नंबर कम हो के 3 या 4 हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो डिसाइड कर रही हैं कि मुझे लगता है इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि पहला तो अब इतना ऑनलाइन कोचिंग हो रही है कि कोई बच्चा चंदौली में बैठा हुआ है, गांव में भी बैठा है, अगर उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है तो वो टीचर उससे कर सकता है। जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, मान लीजिए बॉटनी में कर रहे हैं, और उनकी बहुत अच्छी रैंक है सीएसआईआर जेआरएफ की, गेट भी बहुत अच्छा परसेंटाइज है, उनके लिए आईएससी के अलावा इंडिया के और कौन कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं बॉटनिकल साइंसेस के संदर्भ में? सर हर सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग स्पेसिफिक लैब है, बट अगर आपको थोड़ी सी भी प्लांट या बिहेवियर इकोलॉजी या इकोलॉजी की तरह शिफ्ट करना है तो आप JNCSR जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस इन साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में, और ISC आपने जैसा बताया वो काफ़ी अच्छी लैब है। उसके अलावा टाइफर की जो भी लैब है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो लैब्स हैं, एक कर्नाटका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही NCBS करके लैब है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम होता है, काम कर रहे हैं वो लोग। बाकी अगर आपको मॉलिकुलर में जाना है तो सेंटर फॉर मॉलिकुलर बायोलॉजी इन हैदराबाद,
और यूनिवर्सिटीज में अगर आप बात करें तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ इज वेरी गुड प्लेस, आप JNU जा सकते हो, DU का ऑप्शन है, जादवपुर यूनिवर्सिटी की लैब मैंने देखी काफ़ी अच्छी है, इनफैक्ट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे लैब हैं, जहाँ नहीं भी हैं वो अब एक शॉर्ट ऑफ सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज करके पूरा उन्होंने बना रखा है, तो CSIR की पूरी लैब हैं, कुछ ICR की लैब भी अच्छी हैं, तो सब वो टाइम होता है जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको मॉलिकुलर में जाना है या बायोकेमिस्ट्री में करना है, प्लांट फिजियोलॉजी में करना है, तो एक बार जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो फिर हर फील्ड की स्पेशलाइज लैब है, जैसे आपको प्लांट जीनोमिक्स पे करना है रिसर्च तो दिल्ली में NIPGR है, अगर आपने सोच रखा है कि आपको प्लांट एनवायरमेंट इंटरेक्शन पे करना है तो नीरी नागपुर में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और मॉलिकुलर किसी से मैंने आपको बताया, तो अलग अलग लैब है जिनका अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, कोई एक लैब ऐसी नहीं है जहाँ सब अच्छा हो, कोई ऐसी एक यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे सब अच्छा हो, तो फिर वो आपको डिसाइड करना होता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपको कहाँ जाना है किस फील्ड में। तो आपने अपने PhD के साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करना स्टार्ट की, और मैं अक्सर अपने अनुभव से भी इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब खुद MSc कर रहा था एक अच्छी जगह से, तो मुझे मेरे टीचर्स से मुझे प्रोत्साहन मिलता था कि मैं अच्छी जगह से PhD करूँ, देश के बाहर जाऊँ, देश के अंदर ही अच्छी जगह से करूं, कर भी रहा था, करना भी स्टार्ट किया था, पर देन वो एक नॉर्थ इंडिया के जो UP और बिहार के जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में वो सर के ऊपर वो नीली बत्ती और लाल बत्ती इतना हावी होता है कि वो साइंस से जो है वो ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ सोचते हैं ब्रेक ले लें और अपना एक एफर्ट उस तरफ लगाएं, और दोनों चीज़ के अपने फ़ायदे भी हैं घाटे भी हैं। आज मैं एक टीचर के तौर पे काम करता हूँ, मैं आज इस लाइफ को देख रहा हूँ और उस लाइफ के बारे में भी कुछ जानकारी है क्योंकि खुद कोशिश भी की, और मैं समझता हूँ आप भी उन्हीं सब चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस रहे होंगे, और दोनों के जैसा मैंने कहा अच्छे फायदे हैं क्योंकि अगर आप उन सर्विसेज में आ जाते हैं तो आप बहुत सी लाइफ में आप चेंजेस ला सकते हैं, आप उस पोजिशन में होते हैं, क्योंकि आज हम जिस समय में हैं, हम लोग इतने कठिन समय में चल रहे हैं, तो अगर जो कुछ भी वो हो पा रहा है, अच्छा काम हो पा रहा है, उसमें जिला प्रशासन, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, इन्हीं सब का मेजर कंट्रीब्यूशन है। बहुत चुनौतियां हैं इस समय उन लोग के ऊपर, और आपने अटेम्प्ट्स तब भी लिए, आपने तैयारी तब भी की, और आज भी आप उस प्रयास को जारी रख रहे हैं क्योंकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आप सफल हो जाते हैं तो बहुत सी लाइफ आप चेंजेस कर सकते हैं। तो मेरे कॉलेज का कोई बच्चा जो मान लीजिए अभी BSc Part 1 या BSc Part 2 में आया है और जो सपना रखता है कि हाँ मुझे कलेक्टर बनना है या पुलिस में जाना है, लेकिन इसके आगे उसे कुछ नहीं पता क्योंकि बच्चे आते हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं, आप खुद कभी उसी समय आए रहे होंगे, तो सपना होता है लेकिन इसके बियॉन्ड जो है वो आप भी जान रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो शुरुआत करें, क्या आज के समय में पैटर्न चल रहा है? I would like to add one more thing, apart of that power and privileges. उस time पे सर एक और चीज़ mind में आती है कि कौन सी job थोड़ी जल्दी मिलेगी, और academics थोड़ी time taking है, इसमें कोई भी चीज़ को मना नहीं कर सकता, और दूसरा part कि क्या उनको कहाँ से start करना चाहिए, तो सबसे पहले तो उन्हें ये सोचना होगा कि सच में उन्हें civil services करना है कि नहीं, ये सबसे important question होता है कि आपको इस field में जाना है कि नहीं, क्योंकि ये single way है, यहाँ से फिर आप वापस नहीं आओगे, वहीं पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लो बट फिर वापस आप नहीं आओगे, बट एक बार अगर आप श्योर कर लेते हो कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है तो NCERT आपकी बैकबोन होती है, आप NCERT कंप्लीट करो 12th तक, और उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की तरफ मूव ऑन करो। तो पहला तो मेरा जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले ये क्लियर कर लो कि आपको करना है कि नहीं, और जब करना है तो NCERT आप कंप्लीट कर डालो 12th तक। वो आपका जो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यस सर, पूरा 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 पेपर इंक्लूडिंग मैथ्स, क्योंकि CSET भी होता है उसमें मैथ्स भी होता है, तो आप 6th to 12th जो आपने उस टाइम मन से नहीं पढ़ी थी, बहुत हल्के में पढ़ी थी उसको, उसको अब जितने अच्छे से पढ़ सकते हैं उतने अच्छे से पढ़िए। एक बार जब आपकी NCERT हो जाए तो फिर आप न्यूज़पेपर और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं, दो अप्रोच आपके हो सकते हैं, आप NCERT के साथ ही न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक अच्छा वो होता है, तो आप स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर और NCERT जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि एटलीस्ट सोसाइटी में हो क्या रहा और हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। फिर एक बार जब आपका प्लेटफॉर्म प्रिपेयर हो जाए, फिर आप जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है हर सब्जेक्ट के, आप उनको वहां से फॉलो करना स्टार्ट करिए, और फिर आप सिलेबस देखिए, आप पुराने पेपर्स देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं अप्रोच क्या रखना है, कैसे रखना है। तो पैटर्न क्या है कैसे, ये तो बच्चे की एक प्रीलिम तैयारी हुई, लेकिन अब वो फॉर्म भरेगा तो क्या, जहाँ तक मुझे याद है प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, आज क्या प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसेट। सीसेट में मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करना होता है, क्योंकि पेपर जस्ट क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका जो मेन पेपर है जीएस, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, वो आपका चेक नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले सीसेट क्वालिफाई करना होता है। जब सीसेट, अगर आप दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, सीसेट और जीएस, फिर आपका जो जीएस का पेपर होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, इसमें भी वही पैटर्न होगा, 1/3 नेगेटिव मार्क्स। तो उसमें आप फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशल साइंसेज, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, करेंट अफेयर्स, इनके क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट जो 3 ईयर का जो ट्रेंड है, अगर आप 200 मार्क्स में अगर 100 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। ये आप, मैं जनरल कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम 50% मार्क्स स्कोर करना, जो अभी के पेपर का पैटर्न है, वो बहुत टफ है। क्योंकि आई नो पीपल जो ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विसेज में हैं, एक साल पहले सिलेक्शन उनका हुआ, उन्होंने इसलिए प्रीलिम्स दिया कि मुझे IAS बनना है, बट उनका फिर 2 बार से प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है। तो प्रीलिम्स इज वेरी डाइसी, यहाँ पे आपका डीप जो नॉलेज है, पूरा कंसेप्ट चेक करते हैं वो। It's short of multiple choice question, but you will feel कि it is easy to write answer on same topic, question नहीं कर पाओगे। तो paper prelims का बहुत tough होता है, बहुत dicey होता है, but at the same time, अगर आपने अपने जो foundations हैं, जो newspaper हैं, आपने उनको अच्छे से किया है, तो I'm sure कि आपका prelims हो जाएगा। क्योंकि fortunately मैंने अब तक 5 attempt दिए हैं अपने UPSC examinations के, और 4 बार मेरे prelims qualify हो गए हैं। तो अभी के जो पेपर पैटर्न है उनको देखते हुए 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, इट्स बिग अचीवमेंट। रीजन उसका ये है कि मैंने अपने जो बेसिक्स थे उनको मैंने उस टाइम ही NCERT से काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, तो ये तो आपका प्रीलिम्स हुआ। उसके बाद मेंस में आपके 4 GS के पेपर होते हैं, एक आपको ऑप्शनल होता है जो अपने सब्जेक्ट चूज करते हो, उसके 2 पेपर होते हैं। GS के पेपर 1000 मार्क्स के होते हैं, ऑप्शनल आपके 500 मार्क्स के होते हैं, और 250 मार्क्स का एशे होता है जिसमें आपको 2 एसे लिखने होते हैं। तो 750 का आपका मेंस एग्जाम हो गया, प्लस 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, तो आपका टोटल पेपर होता है 2075। तो ये जीएस के जो 4 पेपर हैं, इटसेल्फ ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी ब्रॉड है। लाइक पेपर 1 में यू विल सी की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल इशूज़ है, पेपर 2 में यू विल फाइंड कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, in paper 3 you will find economics, science and tech, international internal securities, environment and disaster management, and in paper 4 you will find ethics, integrity, usme aapko psychology, sociology aur public administration padhna hota hai। GS ka har paper aapke 20 questions usme hote hain 250 marks ke, aur lagbhag aapko 3 ghante mein 60 pages likhne hote hain answers, to aapko knowledge ke sath sath aapki writing skill bhi aur writing speed bhi bahut स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये तो जस्ट पेपर का पैटर्न था, वो आपका टोटल मेंस हुआ 750 मार्क्स। आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो जो 275 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से टोटल मेंस और इंटरव्यू आपका होता है 2025 मार्क्स का। जो मेरिट बनती है वो आपकी मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे बनती है। मैंने अपने मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो गर्मी की छुट्टी हुई है, तो उनके लिए एक गाइडेंस के तौर पे मैंने प्रिपरेशन इन वैकेशन करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। उसमें मैं उनको बताता हूँ कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो काफ़ी बेसिक लेक्चर्स मैंने उस पर रिकॉर्ड करके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे डाल रखा है, तो दोज़ आर इंटरेस्टेड कैन गो ओवर देयर, और वहाँ पे उनको आइडिया लगेगा कि न्यूज़पेपर को ही जैसे में पढ़ना है तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ते समय, एक बिगिनर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो
ये आपने काफ़ी अच्छा बताया, क्योंकि मैंने भी आपके YouTube वीडियोस देखे, क्योंकि बॉटनी के कुछ टॉपिक्स को लेकर आपके काफ़ी मैंने वहाँ पर लेक्चर्स पाए। और जैसा कि आप बता रहे हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए भी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को इनक्रेज करूँगा जो इंटरेस्टेड हैं सिविल सर्विसेज के बारे में और जानने के लिए, कि वो आपके इस चैनल पर जाएं और आपको वहाँ पर बहुत जानकारी मिलेगी। आज हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 22nd में इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी है, और आप बॉटनिकल साइंसेज से आते हैं और उसमें भी आपने NDRI में काम किया है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आज की डेट का क्या रेलेवेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं उनको बायोडाइवर्सिटी की मीनिंग बताना चाहूँगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को लेके जो हमारा एक परसेप्शन है, इट्स ओनली अबाउट प्लांट, बस ऐसा, बट ऐसा नहीं है। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ, जिसमें आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी भी आती है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, सब आते हैं। और ये डाइवर्सिटी अर्थ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ के हर अपने, चाहे आप कुछ भी डिराइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई हमारे वेदर में, हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो यू विल फाइंड डायरेक्ट कोरिलेशन विद बायोडाइवर्सिटी। और यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ के सारे स्पीसीज इंडिविजुअली अलग अलग ऑपरेट नहीं करते, हम सब एक दूसरे पे लिंक होते हैं। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि एक बर्ड था डोडो, डाइडस एजिप्टिस। वो क्या करता था कि जो एक प्लांट था कैल्वेरिया मेजर, उसके सीड्स को खाता था, और वो सीड्स जब उसके एलिमेंट्री कनाल के थ्रू पास करता था तो कुछ टॉक्सिन्स रिमूव होते थे और वो प्लांट जर्मिनेट करता था। बट पोचिंग की वजह से डोडो एक्सटिंक्ट हो गया, और डोडो के एक्सटिंक्ट होने के वजह से कुछ साल बाद ये देखा गया कि कैल्वेरिया मेजर का जो प्लांट था वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि अब जो वो एलिमेंट्री कनाल के थ्रू उसका सीड पास नहीं होता था और नए प्लांट्स रीजनरेट नहीं होते थे। तो ये एग्जांपल है कि कैसे एक स्पीसीज के एग्जिस्टेंस दूसरे स्पीसीज के एग्जिस्टेंस पे लिंक है। सिमिलरली बायोडाइवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी और वो लाइन भी है, वो जो हनी बी एंड ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को लेके, तो सेम उसी वे में ये बायोडाइवर्सिटी पूरा पैटर्न है, जहाँ पे एक एक स्पीसीज, एक एक जो जीनस है वो इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, नॉट ओनली फॉर डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर द बेसिक एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर द मैनकाइंड एज वेल एज प्लैनेट अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जरूरी है, इसी के लिए इसको हम अवेयर करने के लिए हर साल जो यूनाइटेड नेशन है वो 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं, और हर साल उनका एक थीम होता है। जैसे इस साल का जो थीम है वो है वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इट मीन्स कि नाउ दे आर, अर्लियर क्या था कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, पॉलिसी बनाना है, बट अब टाइम चेंज हो गया, अब इतने चेंजेस आ चुके हैं कि जब तक कॉमन पीपल लाइक मी एंड यू अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो जो लॉस हो रही है, जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं होगा। इसीलिए इस बार का जो थीम है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हर आम आदमी, हर आदमी को इंक्लूड करने की बात की गई, क्योंकि द प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन इज ग्लोबल, एंड ग्लोबल प्रॉब्लम एज वी ऑल नो रिक्वायर्ड ग्लोबल सोल्यूशन। तो हर साल UN उसी के लिए सेलिब्रेट करता है कि लोग थोड़े अवेयर हों और उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। कॉलेज के बारे में कुछ और अगर आप यादों को ताजा करना चाहें। यस सर, मैं फिर से वही रिटेक करूंगा कि वहाँ UP कॉलेज जाना, मतलब लाइफ के जो मेरे स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फेज में से एक था। उस जो 3 साल में मेरा हर फील्ड में मैंने अपने आप को पाया कि मेरा डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो एकेडमिक फील्ड में हुआ या फिर अच्छे फ्रेंड्स मिले, अच्छे टीचर्स मिले, और अच्छे टीचर्स मिलने से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया। और आई एम अमॉन्ग वेरी फ्यू स्टूडेंट जो अभी भी अपने मैक्सिमम टीचर से टच में हूँ। जानवी मैम है और बॉटनी में सारे टीचर्स हैं, तो वो जो आप लोग का सपोर्ट मिला, आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल। और अभी या आगे जो कुछ भी मैंने अचीव किया है या आगे मैं अचीव करूँगा, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन UP कॉलेज का होगा, स्पेशली मेरे टीचर्स और जो मेरे कलीग वहाँ पे थे। तो दैट वे आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू यू ऑल। लव,
हमारे वो बच्चे जो आज बीएससी एमएससी यूपी कॉलेज में कर रहे हैं एज ए सीनियर एज ए पास आउट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहिए? हमें काफ़ी कुछ मिला है यूपी कॉलेज से, और ये चीज़ें एक संस्कृत का श्लोक है कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे आप लोग हमें कर रहे हो, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन चीज़ें होती जाती हैं, तो इन चीज़ों को ना भूलिए। जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और हमेशा जब हम उस चीज़ को शेयर करेंगे तो वो बंदर भी अपने नीचे वाले को उतनी इंटेंसिटी से वो शेयर करेगा, तो इससे एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा सबका। और जो मेरे सीनियर्स हैं उन सबको, उन सबके विशेज और ब्लेसिंग के लिए मैं हमेशा चाहूँगा कि वो मुझे ब्लेसिंग्स दें अपनी। और जो भी मेरे जूनियर्स हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, अगर उनको किसी भी सॉर्ट ऑफ कोई सपोर्ट चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। ओके लव, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे बच्चों से बात की, आपने अपनी कुछ यादों को फिर से जीवंत किया। हमारी आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं एज ए टीचर, ढेरों ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, और हम आपको जिस मुकाम पर आप हैं उस पर तो नहीं है, साथ साथ अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको उसके लिए भी ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, आपकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। आप आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।